हेलो बच्चों बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में चैप्टर एट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है आज हमारा, तो चैप्टर का नाम है डेसिमल्स। भाई अब डेसिमल्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे बच्चों कि भाई ये डेसिमल आखिरी में चीज़ क्या है, क्या भला आ गई भाई, ये क्या नया टॉपिक है एंड हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है अब इस मैथमेटिक्स में। तो दोनों सवालों के जवाब जल्दी से मिलेंगे, बट ध्यान से देखना। देखो पहले हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। तो सपोज कर लो मैं कोई एक नंबर लिखता हूं यहां पे, लाइक 3468। ओके, अब मैंने क्या लिखा 34 एंड 68, बट ये बीच में क्या चीज है? बीच में आपको पता है, ये छोटी मोटी चीज तो आपको पता ही होगी, हम क्या कहते हैं, पॉइंट। ओके, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, 34.68 पढ़ सकते हैं, बट अब क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि ये पॉइंट, चलो हमें ये तो पता है पॉइंट है, बट किसी नंबर के अंदर हमने ऐसे पॉइंट क्यों लगाया, समझे बात? तो ये पहली चीज समझो कि ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर डेसिमल्स। क्लियर हुई इतनी चीज कि कोई नंबर हमने लिखा एंड बीच में कहीं पे भी पॉइंट हो, कहीं पे भी, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर के अंदर क्या है, डेसिमल है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे 34.68, ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा, 69.72। ओके, इसे पढ़ना और बोलना तो आ गया और ये पता चल गया कि ये क्या है, डेसिमल है। अब बात ये आती है कि भाई हमें आखिर में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। हमने तो भी, हमारे पास पहले नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, दैन हमने प्राइम नंबर, ये वो काफ़ी चीज़ें देख ली, इंटीजर्स देख लिए, बट लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में हमने देख लिए फ्रैक्शंस। अब ये ऐसी क्या जरूरत पड़ी, तो इसके हमारे पास दो कारण है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहली चीज़ कि जो हमने किए थे फ्रैक्शंस, अगर आपको याद हो फ्रैक्शंस, जैसे कि 78/3, ये क्या होते थे, फ्रैक्शंस होते थे, ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर। ओके, ऐसे कोई और एग्जांपल ले लो, 62/4, ये भी क्या, फ्रैक्शंस है। बट हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियंस थे पुराने टाइम में काफ़ी, या एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो इस फ्रैक्शन को हर जगह इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, उनको काफ़ी सारी कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। जैसे कि अगर हम ये निकालें कि डिस्टेंस अर्थ से सूर्य का या सन का कितना है, तो वहाँ पे हम उसको फ्रैक्शन में तो नहीं बता सकते, सीधी सी बात है, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी इस डेसिमल्स की, क्योंकि इस डेसिमल की हेल्प से हमने उसको एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेटली बता लिया। तो हमें कहाँ जरूरत पड़ रही थी अब डेसिमल की, जो कैलकुलेशंस थी जो साइंटिस्ट करते थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो मैथमेटिशियंस थे पुराने टाइम में, काफ़ी जो मिडिल एज से भी पहले की बात है, तो उन्होंने इस डेसिमल को निकाला ताकि वो अपनी कैलकुलेशन करके जो एग्जैक्ट चीज़ होती है उसका पता लगा सके। क्लियर हुई ना चीज़? तो क्या हुआ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं हम उसको बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेटली लिख सके, तब हम लाए वहाँ पे चीज़ डेसिमल मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, जैसे अब हम अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कहाँ जरूरत पड़ी। चलो साइंटिस्ट ने तो निकाल लिया कि अर्थ से सूर्य का डिस्टेंस कितना है या मून का डिस्टेंस कितना, वहाँ पे उनको जरूरत पड़ी। हमें अपनी लाइफ में इसकी तो ज़रूरत पड़ती है ना इसकी, तो जल्दी से देखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में इसकी भला ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। लाइक ये मान लो, देखो हम रुपीज़ की बात करते हैं एग्जांपल के अंदर, देखो ये रुपीज़ है। अब मम्मी बोलती है कि जैसे कि भाई आपके पास, मम्मी ने आपको दिए 78 रुपीज़ एंड 60 पैसे, ठीक है, इसको चलो हिंदी में लिख लिए थे क्योंकि हम मनी हिंदी में लिख रहे हैं। ओके, अब मम्मी ने आपको दिए 78 रुपीज़ 60 पैसे, या कोई चीज़ आपने खरीदी, दुकानदार कहता है कि 78 रुपीज़ 60 पैसे की है। ओके, बट इसको अगर आप ऐसे लिखोगे क्या, ये तो चलो हमने हिंदी में ऐसे लिख लिया, बट इसको एक मैथमेटिशियन के फॉर्म में या मैथ्स में कैसे लिखोगे आप, ये भी तो लिखना चाहिए। तब हमने क्या किया, इसको डेसिमल यूज़ करके हमने इसको प्रॉपरली लिखा, 78.60
पैसे, ओके। तो हमें पॉइंट की जरूरत कहाँ पड़ी, एक डेसिमल की जरूरत कहाँ पड़ी, मनी के अंदर। ऐसी अगर हम बात करें कहीं पे आपको बोला जाए कि कोई कहता है कि यहाँ से इस जगह का डिस्टेंस कितना है, वो कहता है कि यहाँ से इस जगह का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर एंड 300 मीटर, ओके, 4 किलोमीटर एंड 300 मीटर। देन आप इसको कैसे लिखोगे इसके अंदर, बताओ। तो इसको आपको लिखना आना चाहिए कि भाई इसे हम मैथ्स में कैसे लिखेंगे, एक न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तब हमने क्या किया, इसको कैसे लिखा, 4 पॉइंट, ये एक यूनिट होगी 4 किलोमीटर यानी 4, देन हमने लिखा पॉइंट, पॉइंट के बाद उसकी अगली यूनिट जो दी हुई है 300, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, 4.33 किलोमीटर, एंड ये था हमारे पास रुपीस, ओके। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसे जरूरत पड़ रही, ऐसे बहुत जगह जरूरत पड़ती है कि मान लो कि कोई कहता है कि मुझे भाई 1.5 लीटर दूध दे दो। आप बोलते ना दूध वाले से या कहीं से तो कि अंकल 1.5 लीटर दूध दे दो। अब उस 1.5 लीटर का मतलब क्या होता है कि आप 1 लीटर अलग मांग रहे हो और 500 मिलीलीटर अलग मांग रहे हो। चलो इसको भी कर लेते जब इतना कर रहे हैं। तो आपने बोला दुकानदार को कि मुझे भाई 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर मिल्क चाहिए आपको, ओके। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अगर लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो आप लिखोगे 1.500 लीटर, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, मिल्क जो आपने मांगा था उसको हमने लिखा ऐसे, क्लियर होगी चीज। तो हमें अपनी रियल लाइफ में जरूरत कहाँ पड़ रही है, व्हाई वी नीड इट। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हमने अपनी अपनी लाइफ में देख लिया, या ये देखा कि एस्ट्रोनॉमर्स को जरूरत पड़ रही थी, या बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को जरूरत पड़ रही थी, तब उन्होंने डेसिमल्स मैथमेटिक्स के अंदर डाल दी। अब हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि जो हमारे पास एग्जैक्टली जो प्लेस वैल्यू चार्ट था वहाँ पे उसको हम कैसे डालें। अभी जरा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी से देखिए कि ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6, 8, 3, ओके। अब मुझे आपको ये कहा जाए कि ये बताओ कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर आप इसको कैसे लिखोगे। दोबारा देता हूँ, एक मिनट जाइए, 6, 8, 3 प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है क्या चीज़ है कि भाई ये जो प्लेस होता है हमारा, ये क्या है, वंस का प्लेस है, यही होता है ना वंस का प्लेस। देन ये वाला प्लेस कौन सा है आपका, टेंस का प्लेस, ओके। और ये वाला कौन सा है, 100 का प्लेस, ओके, स्मॉल में 100 लिख रहा हूं मैं। ऐसे हमारे पास आगे क्या होता है, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, आगे बहुत सारे, ठीक है, हम इससे ही समझते हैं। तो ये क्या हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट में हम उसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि हमने क्या किया था, अगर जिसको भी पहला चैप्टर याद होगा वही याद कर पाएगा कि इसे मान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट ये है 1। देन जब हम इधर मूव करते हैं, यानी हम यहाँ से लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, तो हम क्या करते जाते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ये 10 हो जाता है, एंड ये मल्टीपल में आ जाते हैं सारे, ये हो जाता है 100। देन आगे बढ़ाओगे तो 1000, 10,000, देन उसके हिसाब से 0-0 इंक्रीज होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे मैं एक राइट पॉइंट से लेफ्ट में जाता हूँ, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं ना हम प्लेस वैल्यू चार्ट में, जब हमारे पास नंबर्स ऐसे होते हैं तो क्या चीज़ होती है कि जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता जाता है। यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, चीज़ें क्या होने लगी, ग्रेटर होने लगी जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे, ओके। ये तो हमें पता था सारी चीज़, बट बात आती है कि क्या अब हमारे पास हो गए डेसिमल, अब क्या करें। अब मैंने लगा दिया यहाँ पे क्या चीज़ की पॉइंट, मान लो 0.69, ओके। अब इधर क्या चीज़ है ये, इसको कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि जैसे ये 1/100 है, तो ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये वंस तो है ही हमारे पास, ओके। देन इसको हम बोलेंगे 10th, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल टी से। इसको तो हम देखो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल टी से करते हैं, इसको कैपिटल एच से करते हैं, बट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल टी से, 10th, ओके। देन इसको रिप्रेजेंट क्या से करेंगे, इसको ये हो जाएगा,
इधर देखो ये 10 है, ये 100 है, ऐसी जैसे ये 1 टेंस होते हैं, वंस तो हमारे पास आ ही गया, देन टेंस, देन 100, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसे हम बोलते हैं 100s, ओके। एंड इसको लिखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इसको लिखते हैं हम स्मॉल h में, ओके। तो इधर हम कैपिटल में लिखते हैं, इधर हम स्मॉल में लिखते हैं, ओके। देन अब ये क्या हो जाएगा, जैसे 1, 10, 100 है, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको लिखना होगा तो देखो ये हो जाएगा अब 1/10, ये सारे इधर मल्टीप्लाई होते हैं और इधर सारे क्या होंगे, 10 से डिवाइड होते जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक करके 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके हम 10 से डिवाइड करते जाएंगे उस नंबर को, जिसलिए इसको हमने 1/10 या धन आगे 1/100, ऐसे अगर आगे जाओगे तो 1/1000 या आगे और जाओगे तो 1/10,000, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कि हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया। एंड इसको लिख आगे क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे नंबर सारे के सारे जितने भी बढ़ते जाएंगे आगे, स्मॉलेस्ट। क्लियर होगी चीज। अब देखते हैं कि देखो हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर समझ लिया है अच्छे से, हमने ये देख लिया कि भाई डेसिमल्स होते क्या है, क्या पॉइंट सिस्टम था, कैसे भाई ये हमारी ज़िंदगी में आए और कैसे हम उसको अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, देन प्लेस वैल्यू चार्ट, इतना क्लियर हुआ। देन अब हम आगे जाके ये देखेंगे कि भाई इसको हम कि कैसे इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे नंबर्स को हमने किया था, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शंस को किया था, इंटीजर्स को किया था, देन अब बारी है कि डेसिमल्स को कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। बट एक छोटी सी चीज़ जाती है तो ज़रूर बता जाऊँ मैं आपको। देखो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या चीज़ है, जैसे कोई नंबर लिखते हैं 7, 3, 8, ओके, एंड लिखता हूँ 7, 3, 8, 5, देन 7, 3, 8, 5, 6, ओके, ये तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो डेसिमल की प्लेसेस है कितनी है, 1, क्योंकि हमारे पास 1 प्लेसेस है टोटल मिला के, और वो प्लेस कौन सा है, टेंथ वाला, ओके। तो ये क्या है हमारा, 1 प्लेस का नंबर है डेसिमल के अंदर, ओके। इसे हम क्या बोलेंगे, 1 प्लेस डेसिमल नंबर, ओके, 1 प्लेस डेसिमल नंबर। ऐसे ये क्या हो जाएगा, 2 प्लेस, एंड नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 प्लेस। तो कभी भी इस चीज़ का याद रखना कि डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद हमारे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो नंबर क्या कहेंगे हम, कि ये नंबर हमारा इतने प्लेस का डेसिमल नंबर है या इतने प्लेस का डेसिमल नंबर है, ओके। एंड इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और है, वो और बता देता हूँ ताकि हम आगे अच्छे से बढ़ सकेंगे, कि जैसे कि देखो इसे हम कहते हैं कि जैसे कि इसे देखो एग्जांपल में बताता हूँ मैं, जैसे ये है 6/10, 10/100 या 7/1000, इन सब के अंदर कॉमन क्या चीज़ है, नीचे सब सारे क्या है, 10 के मल्टीपल्स है, तो इसे हम कहते हैं एग्जैक्टली, जब भी आपके पास नीचे यानी डिनोमिनेटर में ऐसे हो तो हम इसे क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस, ओके। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों, पहली बात ये फ्रैक्शन में एंड इनके अपॉन में डिवीजन में क्या है, डेसिमल, डेसिमल मतलब 10, ये 10 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स ऐसे मान के चलो, डेसिमल्स मतलब 10 या उसके मल्टीपल्स है हमारे पास यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो इसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ओके। तो ये था आपके पास व्हाट इज डेसिमल्स एंड व्हाई वी नीड इट, एंड जल्दी से आप देखेंगे कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास डिफरेंट कन्फ्यूजन आ सकते हैं, तो सारी हम उसे रिमूव करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आप इसे कर लीजिए एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।